डॉक्टर्स क्यों दे रहे हैं कबूतरों से दूर रहने की सलाह? कबूतर कैसे ले सकते हैं आपकी जान? 90 के दशक में एक फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया। फिल्म की कहानी तो लाजवाब थी ही, लेकिन फिल्म एक खास गाने के लिए भी बहुत ज्यादा पसंद की गई कि कैसे आशिक अपनी मासूका के लिए पैगाम कबूतर के जरिए भेजता है। गाना था कबूतर जा जा जा। आपने भी इस गाने को खूब सुना होगा। इतना ही नहीं, इस फिल्म के गाने के बाद उस दौर में कबूतरों को पालने का चलन और ज्यादा बढ़ गया। खैर, ये तो थी फिल्म की बात, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको परेशानी में डाल सकती है। जी हाँ, कभी प्यार का पैगाम भेजने को मशहूर हुए कबूतर अब लोगों की जान लेने पर आमदा हैं। दरअसल महाराष्ट्र के कई शहरों में हाइपर सेंसिटिव निमोनिया के मामले बढ़ गए हैं। इसके लिए कबूतरों को बहुत हद तक कारण माना जा रहा है। इसके मल और पंखों की वजह से इस बीमारी का खतरा है। थाने में कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लोगों को कबूतरों को खाना खिलाने को लेकर चेतावनी दी गई है। दरअसल कबूतरों की वजह से फेफड़े में इन्फेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। लोग हाइपर सेंसिटिव निमोनिया से पीड़ित होने लगे हैं, इसीलिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि जहां भी कबूतर या बाकी पक्षियां बड़ी तादाद में हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे जैसे शहरों में कबूतर की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के मामले बढ़ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इनकी वजह से कुछ इस तरह का संक्रमण भी हो सकता है जिनकी वजह से जान तक जा सकती है। इसलिए कबूतर वाले जालों का इस्तेमाल करने और उनकी गंदगी की नियमित सफाई की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई से सटे ठाणे नगर निगम ने हाल ही में कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों के खिलाफ में पोस्टर चिपकाए हैं। उनमें लोगों को कबूतरों को खाना खिलाने को लेकर चेतावनी दी गई है। ये पोस्टर अभियान कबूतरों की वजह से होने वाली हाइपर सेंसिटिव निमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया गया है। ये फेफड़े से संबंधित रोग है जो कि कबूतरों के संपर्क में आने से होता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ शहरों जैसे मुंबई, ठाणे और पुणे में इन दिनों कबूतरों से जुड़ी हाइपर सेंसिटिव निमोनिया के मामले बढ़ गए हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों में पहले से फेफड़े से जुड़ी समस्या है, उन लोगों में हाइपर सेंसिटिव मामले होने का खतरा बाकी लोगों की तुलना में 60 से 65% अधिक है। मुंबई के माहिम स्थित SL रहेजा अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर सार्थक रस्तोगी ने बताया कि किस तरह से कबूतर अपने मल से परोक्ष रूप से इस बीमारी को फैला सकते हैं, जो कि कई बार स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। कबूतरों की वजह से कई प्रकार के फेफड़ा रोग हो सकते हैं। इन बीमारियों में रेस्पिरेटरी एलर्जी से गंभीर इन्फेक्शन तक शामिल है। बाद में इसी वजह से निमोनिया सिटकोसिस हो सकता है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर सही समय पर आवश्यक इलाज नहीं हुआ तो इससे पीड़ित 15% लोगों की मौत होने का खतरा है। कबूतरों के संपर्क में आने पर हिस्टोप्लाज्मोसिस का भी खतरा है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक है। कुछ लोग जिनकी इम्यून कमजोर है उनमें क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के चलते पल्मोनरी या मेनिजियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कैसे होती है बीमारी? कबूतर या अन्य पक्षियां अगर आसपास हों और उनकी संख्या बहुत हो तो उसके मल और पंख की वजह से बीमारियां होने का खतरा रहता है। सांस लेने से पक्षियों या कबूतरों के मल और पंखों से एंटीजन फेफड़े तक पहुंचता है और इसके चलते इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है जो फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर रस्तोगी ने बताया कि उन्होंने हाइपर सेंसिटिव निमोनिटिस के कुछ मरीजों को देखा है जो कि या तो कबूतर ब्रीडर थे या पक्षियों के साथ रहते थे या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बड़ी संख्या में कबूतर मौजूद होते हैं। रिसर्च में क्या पता चला है? ये तो पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है कि कबूतरों की वजह से एलर्जी और इन्फेक्शन होते हैं। पीजन ब्रीडर रोग हाइपर सेंसिटिव निमोनिटिस का सामान्य कारण है, इसीलिए कबूतरों से जितनी हो सके दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है, नहीं तो इसके कारण फेफड़े क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। रोगों का क्या बचाव? विशेष तौर पर ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह ज्यादा गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि पिजन नेट लगवाएं और कबूतरों के मल और गंदगियों को निरंतर साफ करें। गंदगी साफ करने में भी खास सावधानी की जरूरत है। जो भी व्यक्ति कबूतरों की गंदगी साफ करता है उसे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नगर निगम ने रखा जुर्माना।
मुंबई से सटे ठाणे नगर निगम ने पोस्टर लगाकर चेतावनी दी है कि जो भी लोग कबूतरों को दाना डालते हुए पकड़े जाएंगे उनसे 50,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि कबूतरों की वजह से हो रहे निमोनिया के मामले बढ़ने के बावजूद अभी तक मुंबई में इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन लोगों के लिए कबूतरों से दूर रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।